अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर बाइक स्पेशलिस्ट चैनल। आज हम आपको मोटरसाइकिल की चैन टाइट करने का तरीका बताएंगे। चैन लूज हो जाती है, चैन कवर के साथ खड़कती है, उसे आप कैसे टाइट करें, इसके लिए हम आज आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चैन कवर की रबड़ निकालते हैं बाहर। अब ये देखें चैन काफी हद तक लूज है, इसी वजह से ये चैन में से आवाज आती है। एक्सल का नट खोलेंगे 14 नंबर का। एक्सल खोलने के बाद अंदर लगा हुआ 24 नंबर का नट है, वो खोलेंगे गोट का। दोनों को लूज कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा। जी तो ये देखे, अब हम आपके सामने चैन टाइट करते हैं और आपको बताते हैं। ये पॉइंट दिए हुए हैं चिमटे के ऊपर, पहला ये दूसरे पॉइंट पे, अब तीसरे पे। अब ये खिचड़ी पीछे चल गई। इसी हिसाब से आपने दोनों तरफ से, आपको दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं, चैन ऊपर आ गई है, देख लें, पहले काफी ज्यादा नीचे थी। अब ये देखें ये दूसरा पॉइंट, इसे भी हम तीसरे नंबर पे करेंगे इधर से भी। जी ये देखें, अब ये तीसरे नंबर पे आ गए दोनों, उधर से भी और इधर से भी। इससे मतलब ये होगा कि चैन की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक होगी, व्हील की अलाइनमेंट, चैन की अलाइनमेंट बिल्कुल, दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे आ गई। और देखे जब चैन बिल्कुल, व्हील भी बिल्कुल रवा है, आजाद चल रहा है बिल्कुल, और चैन भी टाइट होगी। ये अलाइनमेंट की वजह से है, अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक होगी तो बिल्कुल हर चीज ठीक चलेगी, व्हील भी ठीक चलेगा, ग्रारी सेट भी जल्दी खराब नहीं होगा, और चैन भी आवाज नहीं देगी। 24 नंबर का नट आपने अच्छी तरह से टाइट करना है, जैसे खोला था वैसे ही। उसके बाद इसके एक्सल कसेंगे। एक्सल को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। जी एक्सल हो गया टाइट। अब ये देखें जी बिल्कुल व्हील भी रवा है और चैन भी टाइट। उसको हल्का सा तेल लगा देंगे, ऑयल आपने साफ लगाना है। ऑयल लगाने के बाद ये देखें जी बिल्कुल व्हील भी रवा है और चैन भी बिल्कुल एक सी चल रही है, अलाइनमेंट आपने सीधी रखनी है। तो जी अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।